ओम शांति। ओम शांति। तो इस संसार में दो शक्तियां हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, तीसरा है शरीर। शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ है ना। शरीर के अंदर किसने जन्म लिया, कौन शरीर छोड़ के गया? आत्मा। आत्मा का अच्छी तरह से ज्ञान चाहिए कि आत्मा का अगर ज्ञान है, वहाँ मनुष्य के अंदर पांच विकार नहीं होते हैं। दुख, दर्द, बीमारी, ये सब का कारण अपने को शरीर समझ रहे हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। जैसे कार को रोज चमकाया, पेट्रोल डाला, ड्राइव गाड़ी कौन चलाएगा? तो ड्राइवर का भी ध्यान चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा है तो गाड़ी अच्छी चलाएगा। अगर ड्राइवर ठीक नहीं तो कार ठीक चलेगा? कितना भी नया कार लाओ, शरीर को कितना भी खिलाओ, आप कितना भी सोना पहनाओ, कुछ भी करो, अगर इसमें जिसने आत्मा ने जन्म लिया वो आत्मा अगर ठीक नहीं है, पुण्य आत्मा नहीं है, थोड़े समय के अंदर बुराई आ जाती है, बुरे व्यसन आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, एक्सीडेंट आ जाता है, होता है, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, ये पाप आत्मा की निशानी है। तो इसलिए इन दो को अच्छी तरह से जानना। शरीर के अंदर बीमारी हो तो डॉक्टर ठीक करता है, आत्मा के डॉक्टर कौन है? परमात्मा। वो शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता है, उसको अपना ही शरीर नहीं, निराकार है। तो आत्मा पाप आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा। तो सवेरे बताया था, आप अपने आप को देख लो, मैं कौन सी आत्मा हूं? कौन सी आत्मा हूं? पक्का पक्का पुण्य पाप नहीं है? हाँ, जो समझते हम पुण्य आत्मा है, हाथ उठाओ देख लो कितने हैं। हाँ हाँ, और ठीक है, जो समझते हम पाप आत्मा है वो हाथ उठाओ। नहीं, पाप आत्मा एक ही, बस पाप आत्मा कौन कौन है हाथ उठाओ। नहीं, हाँ फिर आपको दिखाना पड़ेगा ना मुकड़ा, तो देख लो आप में से एक भी हाथ उठाओ, आज से एक महीने के अंदर पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, बुरे स्वप्न नहीं आए, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है? आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई है? गुस्सा करने वालों को पुण्य आत्मा कहेंगे? तो एक भी नहीं है। हाँ, तो दिखाना पड़ता ना कि क्रोध करने वाले को देवात्मा कहेंगे आप, पुण्यात्मा कहेंगे, महात्मा कहेंगे? नहीं है ना। तो कम ना, कौन पाप? फिर अंदर पाप है कैसे पता चला? स्वप्न बताता है। जब आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आए? बाहर से आए, आंखें बंद, ना सुनते हो ना देखते हो। आत्मा का पहले अच्छी तरह से ज्ञान चाहिए। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? शरीर के अंदर बीमारी है, कौन सी बीमारी है? आंख की बीमारी, कान की बीमारी, उस डॉक्टर के पास जाएंगे ना, पहले बीमारी पता होना चाहिए। तो पहले अपने, अभी बताओ, दोबारा पूछता हूं, अभी जो यहां बैठे हो तो पुण्य आत्मा कौन कौन है? फिर से हाथ उठा, पुण्य आत्मा। माता जी, गुस्सा नहीं आता है कभी भी, बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, मन में गलत विचार नहीं आता है, मुख से गलत शब्द नहीं बोलते हो, घर में बच्चों को किसी को गलत शब्द नहीं बोलते हो? अच्छा, माता जी भी जब सोते हो बुरे स्वप्न नहीं आते? कोई भी आते नहीं, मुख से मन में गलत विचार चलता है, फिर पाप आत्मा हो गया ना, गुस्सा भी आता है, फिर पुण्य आत्मा कैसे हो गए? फिर से पूछता हूं, आप में से एक भी बताओ कि एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह आत्मा की, देव आत्मा की निशानी नहीं, आसुरी संस्कार है, यह देवी संस्कार नहीं। और देवताएं कभी गुस्सा नहीं करते, बुरे सोचते नहीं, मुख से गलत शब्द निकलता नहीं, ऐसे कोई पुण्य आत्मा है वो जान लो, देख लो, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। एक भी नहीं है। तब किए हुए पाप, तब आत्मा कौन सी है पहले जानना चाहिए।
फिर आता है इस बीमारी को मिटाने के लिए डॉक्टर चाहिए, परमात्मा शरीर।